हेलो एवरीवन, शुभम दिस साइड। सो गाइस, टुडे आई हैव अ वेरी गुड टॉपिक। आज हम जो डिस्कशन करने वाले हैं वो एसक्यूएल पे करने वाले हैं। ठीक है गाइस, सो ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है। सो गाइस, पहले हम जानते हैं एसक्यूएल बेसिकली होता क्या है। एसक्यूएल एक स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज है। इसका यूज किस लिए किया जाता है? एसक्यूएल का यूज बेसिकली, यदि आपके पास कोई डाटाबेस है, ठीक है, आप उस पर ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हो, लाइक आपके पास जो डाटाबेस है उसमें जो इन्फॉर्मेशन है आप उसको व्यू करना चाहते हो, ठीक है, या अपनी इन्फॉर्मेशन को एड ऑन करना चाहते हो, या डिलीट करना चाहते हो, या इंसर्ट करना चाहते हो, तो इसलिए हम एसक्यूएल क्वेरी का यूज करते हैं। ठीक है गाइज, तो बाय द एसक्यूएल क्वेरी आप डाटा को रीड कर सकते हो, व्यू कर सकते हो, ठीक है, या आप अपनी कोई टेबल्स बनाना चाहते हो ऑन ओवर डाटाबेस, तो आप वो भी बना सकते हो। ठीक है गाइज, तो इसलिए हम स्ट्रक्चर क्वेरी का यूज करते हैं। तो गाइज आगे बढ़ते हैं। ये मैंने यहाँ पे डेफिनेशन मेंशन की हुई है, आप इसको भी गो थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, इफ यू गो फॉर एनी इंटरव्यू सो इट इज वेरी यूजफुल। सो गाइस, बात करते हैं टाइप ऑफ एसक्यूएल कमांड्स की। ठीक है गाइस, तो पहला कमांड्स का जो टाइप होता है वो होता है हमारा डीडीएल। ठीक है गाइस, तो डीडीएल का मतलब होता है डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। इसके अंदर जो हमारे कमांड्स आती हैं वो आती हैं क्रिएट करना, टेबल को क्रिएट करना, अल्टर करना, ड्रॉप करना, ट्रंकेट करना और रिनेम करना। ठीक है, सेकंड होता है हमारा डीएमएल। ठीक है, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। इसके अंदर जो हमारा आता है स्लैग कमांड आता है, इंसर्ट आता है, अपडेट आता है, डिलीट आता है। ठीक है, थर्ड होता है हमारा डीसीएल। इसके अंदर इसका जो फुल फॉर्म है वो होती है डाटा कंट्रोल लैंग्वेज। इसके अंदर होता है किसी भी टेबल्स को, किसी भी यूजर को एक्सेस ग्रांट करना या उसके एक्सेस को रिवोक करना। ठीक है, थर्ड और फोर्थ होता है हमारा टीसीएल, यानी कि ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। ठीक है, इसमें बेसिकली ये होता है आपने को कमिट कैसे करते हैं, रोल बैक कैसे करते हैं, आपको कोई कमिट किया है तो उसको रोल बैक कैसे करेंगे, सेव प्रिंट कैसे करेंगे, सो ये हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली टाइप ऑफ एसक्यूएल कमांड्स हैं, इनको भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। यदि आप किसी भी इंटरव्यू में जाओगे तो आपसे पूछ सकता है टाइप ऑफ एसक्यूएल कमांड्स। ठीक है गाइज, तो आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं एसक्यूएल के सिंटैक्स की। यदि आप अपने वर्क बेंच यूज कर रहे हो टेबल क्रिएट करने के लिए, तो आप किस तरह से टेबल को क्रिएट कर सकते हो, क्या उसका सिंटैक्स होगा? तो गाइस, पहले आप लिखेंगे क्रिएट टेबल। ठीक है, टेबल का नाम आप कोई भी यूज कर सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पर कॉलम यूज करना पड़ेगा, जो भी कॉलम आप एड ऑन करना चाह रहे हो, लाइक आप नेम कॉलम यूज करना चाह रहे हो। ठीक है, पहले आप यहाँ पे यूज कर लोगे फर्स्ट नेम। उसके बाद यहाँ पे आप डाटा टाइप, आपका जैसे कि वेरचर, इंटीजर, नम, डेट ऑफ बर्थ। ठीक है गाइस, ये आपके वेरचर होते हैं, इनकी भी अपनी एक वैल्यूज होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम वेरचर यूज कर सकते हैं। कॉलम टू में भी हम कोई भी नाम दे सकते हैं, लाइक डेट ऑफ बर्थ यूज दे सकते हैं। उसके लिए हम यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डाटा टाइप यूज कर सकते हैं। थर्ड कॉलम में हम ईमेल यूज कर सकते हैं, तो उसके लिए भी हम यहाँ पे वेरचर यूज कर सकते हैं और उनकी वैल्यू दे सकते हैं। उसके बाद हम ब्रैकेट लगा के बंद करेंगे और यहाँ पे सेमी कोलन यूज करेंगे। तो गाइज, ये टेबल को क्रिएट करने का सिंटैक्स है। साथ ही प्रैक्टिकली हम वर्क बेंच पे कैसे क्रिएट कर सकते हैं वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो चलिए मैं अपनी वर्क बेंच ओपन कर लेता हूँ और आपको दिखाता हूँ कैसे टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है गाइज, मैं यहाँ पे इसको एंड ऑन कर देता हूँ और वर्क बेंच को ओपन कर लेता हूँ। तो गाइज, ऑलरेडी मैंने अपनी एक टेबल बनाई हुई है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको डिलीट कर देता हूँ ताकि आपको प्रॉपर बना पाऊँ कि कैसे टेबल को बनाते हैं। ठीक है, तो गाइज यदि आप कोई भी टेबल बनाना चाह रहे हो फॉर द वर्क बेंच, तो उसके लिए पहले आपको डाटाबेस को सिलेक्ट करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे पहले देख लेता हूँ मेरे पास कितने डाटाबेसेस हैं। मैं भाई कमांड टाइप करूँगा शो डाटाबेसेस। ठीक है गाइज, और इसको यहाँ पे मैं एग्जीक्यूट कर दूंगा। तो मेरे पास ये डाटाबेसेस हैं, शुभम, एस के, एस वाई एस, परफॉर्मेंस स्कीमा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कोई भी डाटाबेस यूज कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे यूज एस के डाटाबेस को यूज कर लूंगा बिफोर क्रिएटिंग एनी टेबल। ठीक है, तो मैंने एस की डाटाबेस को यूज कर लिया है। ठीक है गाइस, अब मैं यहाँ पे क्या काम करूंगा, मैं यहाँ पे टेबल बनाऊंगा। यहाँ पे लिखूंगा सी आर ई क्रिएट टेबल। टेबल का नाम मैं यहाँ पे कोई भी टेबल का नाम दे सकता हूँ। टेबल का नाम यहाँ पे मैं एम्प्लॉय ले सकता हूँ, एम्प्लॉय। ठीक है, ये यहाँ पे सिंटैक्स है। उसके बाद यहाँ पे मैं लिखूंगा आईडी,
ठीक है, इंट प्राइमरी की मैं इसको यहाँ पे यूज कर लूंगा एज ए प्राइमरी की, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे फर्स्ट नेम यूज करूंगा, फर्स्ट नेम, ठीक है। वेर चार यहाँ पे यूज करूंगा, लाइक जैसे कि मैंने आपको बताया था ये डाटा टाइप होते हैं, इसकी जो लिमिट एवरेज वैल्यू होती है वो 0 से 255 होती है, ठीक है। आप 255 तक की वैल्यू यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे इसको 10 वैल्यू दे दूंगा और कर दूंगा। यहाँ पे मैं लास्ट नेम यूज करूंगा, लास्ट नेम, ठीक है। यहाँ पे मैं वेर चार यूज करूंगा, जो मेरा डाटा टाइप होगा, मैंने वेर चार यूज किया है, ठीक है। मैं यहाँ पे अब डेट ऑफ बर्थ यूज करूंगा, डी ओ बी, इसके लिए हम डेट और टाइम, ठीक है, ये डाटा टाइप यूज करेंगे। उसके बाद यहाँ पे मैं ईमेल यूज करने वाला हूँ, कॉलम का नाम, इसके लिए भी मैं यहाँ पे वेर चार दे दूंगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं कॉमा नहीं लगाऊंगा, ठीक है, और जस्ट एंटर करूंगा और यहाँ पे इसको बंद कर दूंगा, ठीक है गाइज। अब जैसे ही मैं इस क्वेरी को रन करूंगा, मेरी क्वेरी एग्जीक्यूट होगी, आप देख सकते हैं ये क्वेरी एग्जीक्यूट हो गई है। इसने जो टाइम लिया है 0.031 सेकेंड लिया है और कोई भी रो इफेक्टेड नहीं हुई है। अब मैं देखना चाहता हूँ कि मेरी जो टेबल मैंने बनाई है इसको यदि मैं व्यू करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कमांड एस सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम एम्प्लॉय, ठीक है। मैंने यहाँ पे एग्जीक्यूट किया है, ये टेबल मैंने बनाई है, ठीक है। आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ और ईमेल। इस टेबल के अंदर अभी कोई भी डाटा मैंने पुट नहीं किया है, ठीक है। मैं ये भी देख सकता हूं कि कौन सा कॉलम टाइप मैंने वहां पर एज ए प्राइमरी की यूज किया है, उसके लिए मैं यहाँ पे लिखूंगा डीएससी एम्प्लॉय, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसको भी रन कर लूंगा। तो गाइज आप देख सकते हैं जो पहला कॉलम है आईडी, उसको मैंने एज ए प्राइमरी यूज किया है, ठीक है। फर्स्ट नेम में आप देख सकते हैं दूसरा कॉलम फर्स्ट नेम है, सेकंड थर्ड कॉलम लास्ट नेम है, फिर डेट ऑफ बर्थ और ईमेल है। तो गाइज इस तरह से हम कोई भी टेबल बना सकते हैं ओवर द वर्ल्ड बेंच, ये तरीका है टेबल को बनाने, ठीक है। सो गाइज इन नेक्स्ट वीडियो मैंने यहाँ पे टेबल बना ली है, अब इन टेबल्स में मैं वैल्यू कैसे पुट कर सकता हूँ, इन नेक्स्ट वीडियो हम इनमें वैल्यूज पुट करेंगे, ठीक है। सो गाइज यदि आप एसक्यूएल के बारे में जानना चाह रहे हैं, एसक्यूएल सीखना चाहते हैं, तो ये वीडियो आप देख सकते हैं, ठीक है गाइस। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें यदि ये वीडियो आपको पसंद है। यदि आपका कोई डाउट है सो मेंशन इन कमेंट, ठीक है। आई विल रिप्लाई फॉर एवरी, ठीक है। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।